ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की राजस्थान की कन्वीनर सुमन देवठिया हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन देवठिया जी राजस्थान में तमाम जो दलित महिलाओं के अन्याय और अत्याचार के मुद्दे हैं वो उठा रही हैं। आज उनके साथ जो पीड़ित दलित महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। तो सुमन जी, आज का जो आपका ये गोलमेज बैठक आपने की, इसका क्या उद्देश्य था और इससे क्या चीजें निकल के? देखिए, जो आज हमने खास करके जो दलित महिला पीड़ित हैं वो काफ़ी समय से न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। उन्होंने सरकार के हर दरवाजे को खटखटाया, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे यहाँ के राजस्थान के आयोग हो, हर जगह उन्होंने अपने न्याय के लिए पहुँच लगाई है। लेकिन उनको बहुत लंबे समय से न्याय से वंचित किया जा रहा है। और ख़ास करके आज के जो इस जो हमने गोलमेज बैठक रखा, इसमें एक SC ST एक्ट के पूरे एक्ट को, चाहे आप चालान केस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो 7 दिन की अवधि है उनके दौरान हो रहा है, समय पे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, पीड़ितों की सुरक्षा नहीं की जा रही है, प्रॉपर सेक्शन में SC ST एक्ट के प्रॉपर सेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इस तरीके के जो इसके साथ ही खास करके हम सामूहिक यौन हिंसा की बात करें या यौन हिंसा से जुड़े मामले की बात करें, उनमें जो निकल के आ रहा है कि उनकी किस तरीके से स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, जिनकी ओर सरकार के किसी तरीके से ध्यान नहीं गया है, उनकी शिक्षा से वो इन घटनाओं की वजह से वंचित हो गई है, उसके बारे में कोई सरकार का कोई पहल नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है ताकि वो अपने न्याय के लिए प्रयास कर सकें। इस तरीके की घटनाओं से बाकी की जो बच्चियां हैं दलित समुदाय की, उन बच्चियां भी वो शिक्षा से वंचित हो रही है। तमाम जो समाज में व्यवस्था, जो जातिगत व्यवस्था बनी हुई है, उससे जो अलग अलग तरीके के अत्याचार जो हमारे समाज में दलित महिलाओं को रोज़ संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके सामना करना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के आज हमने इन्हीं सब बहनों के साथ में बैठ करके ये चर्चा की गई थी। तो इस चर्चा से क्या? इस चर्चा से यही निकल के आया कि आज भी राजस्थान पूरा तरीके से दलित महिलाओं को न्याय देने में फेलियर हो रहा है, चाहे वो आयोग को देखे, चाहे वो पुलिस को देखे, पूरा SC ST एक्ट की धज्जियां उड़ा रखी हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, और जो अमेंडमेंट हुआ है उसका तो अभी कोई भी नॉलेज नहीं है, लोकल पुलिस को ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस अधिकारियों को भी नहीं पता है। ये गोलमेज बैठक क्या करेगी, क्या कोई रिकमेंडेशन भेजने वाली है? आज इसमें हमने एक्सपर्ट्स के रूप में पुलिस डिपार्टमेंट में रह चुके RP सिंह जी जो हैं रहे हैं वो भी हमारे साथ थे, यहाँ पे रिटायर्ड जज थी हमारे साथ में, न्याय प्रणाली के बेस पे उनकी वो हमारे साथ थी, हमारे ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच के आशा जी हमारे साथ थी, तो सभी बावर जी हमारे साथ में थे, तो हर तरीके से केसेस को एनालिसिस किया गया, पूरे गंभीरता से केसेस को लिया गया, सुना गया, उसमें यही निकल के आया कि हमको सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए, जिस तरीके से राजनेताओं का दबाव निकल के आया है उनके खिलाफ भी हमको कुछ एक प्लान करना चाहिए। ज़्यादातर जो निकल के आया है वो यही है कि पुलिस के साथ में जिस तरीके से मुद्दे बन रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, उनको हमको पुलिस के साथ में भी एडवोकेसी करने की ज़रूरत है, चाहे वो उनके ट्रेनिंग देने की बात हो, चाहे वो सरकार पे और तरीके से दबाव देने की बात हो। अब हम इन सारी जो रिकमेंडेशन इस टाइप की जो हमारी आई है, हम इनको फॉलो करेंगे और हर तरीके पे तरीके से हर स्तर पे हम इन सारे मुद्दों को उठाएंगे इस मांगों के साथ में, ताकि हमारी दलित बहनें करेगा इसके न्याय ले सकें। इसके साथ में हम ये भी प्लान किया है कि हम एक स्पेशल जो लंबे समय से जो संघर्षशील बहने अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनो मेरी आवाज़ के नाम से एक कैंपेन हम स्टार्ट करेंगे, ताकि उस कैंपेन के माध्यम से हमारे सामने इस तरीके के भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि एक ऐसे कार्यकर्ता होने के नाते कि भाई आप इसको हमसे न्याय की बात नहीं कर सकते, पीड़ित ही कर सकते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये पीड़ित ही कह रहे हैं कि हमारी कहानी हमारी जुबानी सुनो मेरी आवाज़,
ये हमारा ये होगा और वो जो भी रिकमेंड आई है आज वो रिकमेंड को फॉलो करते हुए ये क्या काम करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन देवटिया जी आपका सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।